बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ारा और आज हम अपनी रेसिपी में बनाएंगे टेस्टी स्पाइसी देगी स्टाइल में टिंडे गोश्त। और जो मेरे चैनल पे भी न्यू आए हैं वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब लाइक शेयर और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने घी या ऑयल आप ले लें, उसमें हम ये प्याज ब्राउन करेंगे। 3 बड़े प्याज लिए थे, इनको हम डार्क ब्राउन करेंगे जिसे देग में डालते हैं या हम कौरमा बनाते हैं। और इसे हम ब्राउन करके इसे हम कूट लेंगे, पीसेंगे नहीं, पेस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको देगों में पड़ता है जैसे कौरमे में हम ऐड करते हैं। और ये मेरे पास है 3 पाव गोश्त है, इसके अंदर हम मसाले स्पाइसी थोड़े ऐड करेंगे और दही वगैरह भी हम इसको रखेंगे मैरिनेट के लिए। आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी आप बना सकते हैं। मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी, 1/2 कप दही ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट आप ऐड कर दें 2 चम्मच इसके अंदर। और ये थोड़े स्पाइसी मसाले हैं, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लिया है कौरमा मसाला। ये मैंने लिया है इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम। और इसी में लाल मिर्चें भी लिए हैं मैंने 1 चम्मच के करीब भर कर लिए हैं। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी लिया है, हल्दी पाउडर भी लिया है, पिसा हुआ धनिया भी लिया है और ये कौरमा मसाला है और नमक भी लिया है। ये सब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कौरमे में हम डालते हैं उसी थोड़े स्टाइल में बनाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर करेंगे। कौरमा मसाला सिर्फ मैंने 1 चम्मच इसलिए लिया है ताकि उसका फ्लेवर आए और देगी स्टाइल लगे। बाकी मसाले सालन में ऐड करते हैं वही ऐड करेंगे। और जायफल जावित्री भी इसमें ऐड करिएगा, थोड़ा टेस्ट ज़रा ज़्यादा हटकर इसका आएगा। और इसी में हम पीसी हुई ग्रीन चिल्ली जो होती है, हरी मिर्चें, ये भी हम ऐड कर देंगे पीस कर, इसका पेस्ट डालेंगे। और इसी के साथ साथ हम दही, टमाटर का पेस्ट, सब मिक्स करके इसको हम, ये थोड़े खड़े मसाले हैं, दालचीनी हैगी और सब्ज़ी, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, ये अपने हिसाब से ले लीजिएगा, 2-2, 3-3 दाने वगैरह इसमें ऐड कर देंगे। और हम ये चटपटा सा बनाएंगे और देगी स्टाइल होगा। इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे, 1/2-1 घंटे के लिए आप रख दें। फिर इसके बाद जो इस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन की थी उसी में, उसी बर्तन में हम ऐड कर देंगे अपना मैरिनेट वाला मसाला और गोश्त वगैरह। और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसे पहले भूनेंगे फिर पानी ऐड कर देंगे, ताकि इतना पानी ऐड करेंगे ताकि ये पूरा फुल कुक ना हो हमारा बीफ। हमें हाफ चाहिए क्योंकि हमें टिंडे भी इसमें डालने हैं, टिंडे को भी गलना है, उसी के साथ साथ हमारा जो हाफ कुक हो जाएगा गोश्त वो भी इसके अंदर गल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मसाले मैंने इसमें कम ऐड किया हुआ था और कुक हुआ है, पूरा कुक नहीं हुआ है। अब जब मैं टिंडे ऐड करूँगी उसमें पूरा फुल ये कुक हो जाएगा गोश्त, इसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसके मसाले भी सारे पक चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर बारी है हमें पानी डालने की और इसके अंदर हम डाल देंगे टिंडे, पहले से ही मैंने छील रखे हैं। टिंडों को थोड़ा आप ऊपर से इसका पील कर लें, छिलके हटा लें और फिर इसके अंदर 1 में से 2-2 कर लें या 3-3 जैसे आपके पास हो। ये मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये टिंडे। और इसको मैंने धो के साफ़ करके और मैंने इसे काट लिए हैं। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने ब्राउन की थी फर्स्ट स्टेप पर ये पिट किए टिंडों के साथ, ताकि पहले से नहीं डालना, ताकि खुशबू भी आए इसकी, जैसे हम कौरमे में एंड में टिंडों के साथ ऐड करना है। हरी मिर्ची मैंने साबुत ऐड कर दी है इसके अंदर, पीसी भी इसका भी फ्लेवर थोड़ा अच्छा सा आए। ये सब चीज़ें मैं डाल के इसमें पानी इतना ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर टिंडे भी, और जो मेरा हाफ गोश्त गला था वो फूल गल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल आ गया है और टिंडे भी हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं सिर्फ 1 कतरा केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हम देगी स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ी सा फ्लेवर आना चाहिए कौरमे का भी। और ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसके अंदर मैंने डाली है बड़ी इलायची और काली मिर्चों का पाउडर, ये गर्म मसाला नहीं है, ये सिर्फ काली मिर्चें, वो काली मिर्चें और ये बड़ी इलायची का पाउडर है। ये हम पीस कर इसके साथ ऐड कर देंगे, ताज़ा पीसिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है और ताज़ा पीसने की। और इसके अंदर मिक्स करके, और आप देख सकते हैं टिंडे पूरे फुल गल चुके हैं, गोश्त भी हमारा गल चुका है, लुक इसका आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी बनता है ये भी देगी स्टाइल में। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।